इनेगेजी में एसाइनमेंट में प्रश्न चार क क्रम में लखो तो आप एक साइठ मैडम नोट में लखायु चौपड़ी में आप लख्यू तो एक अड़े एक बड़े बे बड़े बे पी शू आए तो त्र गड़े त्रण शू आगे त्रण चौगड़े चार आ रीते पांच गड़े पांच छ गड़े छत गड़े सात आ रीते अपने बोली बोली ने लखी सकिए सात पची शू आए तो कि आठ अड़े आठ नौ वड़े नौ एक मींडे दस आ रीते अपने लखी सकिए हवे शू छे तो बे एकड़ा अग्यार बे एकड़ा अग्यार पची शू आवशे तो एकड़ बगड़ बार एकड़ तगड़ तेर एकड़ चौद एकड़ पांच पंदर एकड़ छगड़ सोल आ रीते अपने बोली बोली ने लखवानुं छे एकड़ छगड़ सोल पछी शू आवशे एकड़ सात सत्तर एक आठ अठार एक नवाड ओगणीस बगड़े ने मींडे वीस अपने आ रीते लखी सकिए छे। हवे आपणे आगळ जोईशुं तो बगड़ एकड़ एकवीस बे बगड़ा बावीस बे बगड़ा बावीस बगड़ तगड़ त्रेवीस बगड़ चौगड़ चौबीस बगड़ पाचड़ पच्चीस बगड़ छगड़ छवीस आ रीते अपने बोली बोली ने बाळकोने लखावानुं छे। बगड़ सात सत्यावीस बगड़ आठ अठ्यावीस बगड़ नव ओगणत्रीस त्रगड़ीने मींडे त्रीस आ रीते अपने बाळक ने बोली ने लखावानुं छे। त्रगड़ एकड़ एकत्रीस त्रगड़ बगड़ बत्रीस तो आप लखवानुं छे त्रगड़ बगड़ बत्रीस बे त्रगड़ा तेत्रीस त्रगड़ चौगड़ चौत्रीस त्रगड़ पाचड़ पांत्रीस त्रगड़ पाचड़ पांत्रीस पछी शू आवशे तो त्रगड़ छगड़ छत्रीस त्रगड़ छगड़ छत्रीस त्रगड़ सात साड़त्रीस त्रगड़ आठ आड़त्रीस त्रगड़ नव चालीस आ रीते अपने लखी सकिए छे। हवे अपने कई लाइन आया तो चौगड़ एकड़ एकतालीस नी लाइन अपने आया तो चौगड़ एकड़ एकतालीस लखेलू छे। हवे शू आवशे चौगड़ बगड़ बेतालीस तो अपने लखी सकिए चौगड़ बगड़ बेतालीस चौगड़ बगड़ तेतालीस बे चौगड़ा चौवालीस चौगड़ पाचड़ पिस्तालीस चौगड़ छगड़ छेतालीस चौगड़ छगड़ छेतालीस पछी शू आवशे चौगड़ सातड़ सुड़तालीस चौगड़ आठड़ अड़तालीस चौगड़ नवाड़ पचास पांचड़े पचास आगळ आपणे जोईशुं तो आगळ आपणे पाचड़ एकड़ एकावन लाइन आपेली छे तो पाचड़ एकड़ एकावन पछी शू आवशे तो पाचड़ बगड़ बावन शू आवशे पाचड़ बगड़ बावन पाचड़ तगड़ त्रेपन पाचड़ तगड़ त्रेपन पछी शू आवशे पाचड़ चौगड़ चौपन बे पाचड़ा पचावन बे पाचड़ा पंचावन पछी आपणे शू लखीशुं पाचड़ तगड़ छप्पन पाचड़ तगड़ सत्तावन पाचड़ आठड़ अठावन मींडे साठ आ રીતે આપણે એક થી સાહીઠ એસાઇનમેન્ટમાં આપણે નોટમાં લખવાનું છે। હવે આપણે ફરી જોઈશું કે ઊંધા અંક લખવાના છે આ પણ મેડમે તમને શીખવાડ્યા છે ઊંધા અંક આપણે કેવી રીતના લખવાના છે તો શું છે પ્રશ્ન ચાર ડ ઊંધા અંક લખો તો છ ગડે ને મીંડે
साहिठ। पाचड़ो वर्ड ओगण साहिठ। पाठड़ अठावन। पाचड़ सत्तावन। पाचड़ छगड़ छप्पन। बे पाचड़ा पंचावन। पाचड़ चौगड़ चौप्पन। पाचड़ त्रगड़ त्रेप्पन। पाचड़ बगड़ बावन। पाचड़ एकड़ एकावन। आ रीते आपणे ऊंधो अंक लखी शकीए छीए साहिठ थी एकावन नी अंदर। हवे आपणे जोईशुं तो हवे केटला छे, तो के पाचड़ एक पाचड़े ने मींडे पचास आपेला छे, तो शू आवशे? चौगण पचास, चौगण अठड़ अड़तालीस, चौगण सात्तर सुड़तालीस, चौगण छगड़ छेतालीस। अरे लखी सकिए छी चौगण छगड़ छेतालीस, चौगण पाचड़ पिस्तालीस, बे चौगड़ा चौवालीस, चौगण त्रगड़ तालीस, चौगण बगड़ बेतालीस, चौगण एकड़ एकतालीस। आ रीते आपणे करी शकीए छीए। हवे आपणे कई लई आया, तो चौगण एने मींडे चौतालीस, त्रगण नो वर्ड ओगणचालीस, त्रगण नो वर्ड ओगणचालीस, त्रगण आठड़ आड़त्रीस, त्रगण सातड़ सत्तीस, त्रगड़ छगड़ छत्तीस, त्रगड़ पचड़ पैंतीस, त्रगड़ चौगड़ चौंतीस, बे त्रगड़ चौगड़ चौंतीस, बे तगड़ा तैंतीस, त्रगड़ बगड़ बत्तीस, त्रगड़ एकड़ एकत्रीस। आ रीते आपणे लखी शकीए छीए। हवे कई लाइन आया, तो त्रगड़ अठ्यावीस, बगर सात सत्यावीस, बगर छगड़ छवीस, बगर पाचड़ पच्चीस, बगर चौगड़ चौबीस, तेवीस, बे बगड़ा बावीस, बगड़ एकड़ एकवीस। आ रीते आपणे करी शकीए छीए। हवे शू छे? तो के बगड़े ने मींडे वीस, एने पहेला के ने पछी शू आवशे? तो के एक नव्वद ओगणीस। लखी शकीए छीए एक नव्वद ओगणीस बराबर छे। आ रीते લખી શકીએ છીએ એકડ પાછળ પંદર, એકડ ચોગડ ચૌદ, એકડ ત્રણ તેર, એકડ બગડ બાર, બે એકડા। આ રીતે આપણે 20 ની 11 નો અંક થાય છે। હવે આપણે શું આયા? તો એકડે મીંડે 10 શું આવશે? તો 9 વડે 9 શું આવશે? 9 વડે 9, 8 વડે 8, 7 વડે 7, 6 વડે 6, 5 વડે 5, चार, त्रगड़े त्रण, बगड़े बे, एक अड़े एक। आ रीते आपणे 10 થી 1 પણ પૂરું થાય છે। ઊંધા અંકમાં આપણે 60 થી 1 એસાઇનમેન્ટમાંથી જોઈને લખવાનું છે, નોટમાં એકવાર તમારે લખવાનું છે। ગણિતનું એસાઇનમેન્ટ અહીંયા આગળ આપણે પૂરું થઈ જાય છે। એસાઇનમેન્ટમાંથી જ બધું પૂછાશે, એટલે બાળકને એસાઇનમેન્ટમાંથી તૈયારી કરાવી।